मैं हूं हर्षित, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। हम कभी भी कहीं जाते हैं सो हमें सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, उसके बाद ही हमारी बातचीत जारी रहती है। सो अपना इंट्रोडक्शन देना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी लाइफ का, हमारी लाइफ में ये बहुत बार यूज़ होता है। कई लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देना नहीं आता, या तो उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देना नहीं आता या फिर वो नर्वस हो जाते हैं। सो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। तो अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, हमें अपना इंट्रोडक्शन देना आता है पर सामने वाले को कैसे दें, हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, हमें वो सीखना है इस वीडियो में। सबसे पहले कि हमें कभी भी नर्वस नहीं होना है। अगर हम किसी के सामने नर्वस होंगे तो हम अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अटक जाएंगे, जिससे उसका इम्प्रेशन हमारे ऊपर कम हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, हमें नर्वस नहीं होना है। सो पहले हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे कि गुड मॉर्निंग सर या फिर मैम, गुड मॉर्निंग सर माय नेम इज़ डैश, जैसे मेरा नाम हर्षित है, गुड मॉर्निंग सर माय नेम इज़ हर्षित, या फिर आई एम हर्षित, गुड मॉर्निंग सर माय नेम इज़ हर्षित। सो उसके बाद हमें ये बताना है कि हम कितने इयर्स के हैं या फिर हम क्या कर रहे हैं। अगर आप कोई बड़े हो, आप क्या काम कर रहे हो, कहाँ जॉब कर रहे हो, हमें ये बताना है। या फिर अगर हम बच्चे हैं, लाइक बिगिनर्स हैं, या फिर हम कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, हम कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, हमें ये बताना है। जैसे कि गुड मॉर्निंग सर माय नेम इज़ हर्षित, आई एम 12 इयर्स ओल्ड, आई एम इन 7th क्लास। और हमें हमेशा पोलाइट बोलना है और कभी भी जल्दी नहीं बोलना है। हम जल्दी बोलेंगे सो हमारी लाइन्स गलत हो जाएंगी। सो गुड मॉर्निंग सर माय नेम इज़ हर्षित, आई एम 12 इयर्स ओल्ड, आई एम इन 7th क्लास। एंड जैसे कि हमें अपनी हॉबीज़ भी हम बहुत कुछ बता सकते हैं, आपसे भी दे सकते हैं, मैं किधर से हूँ, मैं किधर रहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये हम कुछ भी अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सबसे पहले हमें नर्वस नहीं होना है, और अगर हमें जो भी बोलना है तेज़ी में नहीं बोलना। अगर हम तेज़ी में बोलेंगे तो हमारे आंसर ख़राब हो जाएंगे। हमें हमेशा सोच कर बोलना है कि हमें आगे क्या बोलना चाहिए। हमें कॉन्फिडेंट होकर बोलना चाहिए, कभी भी नर्वस नहीं होना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट, हमें कॉन्फिडेंस से जवाब देना चाहिए। अपनी बॉडी लैंग्वेज भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, कि अगर हम बोल रहे हैं तो हम बिना किसी एक्सप्रेशन के, कई लोग बोलते हैं बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलते हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग सर माय नेम इज़, हमें ऐसे नहीं करना है, हमें बॉडी लैंग्वेज सही रखनी है, जैसे कि गुड मॉर्निंग सर माय नेम इज़ हर्षित। तो ये हमारी बॉडी लैंग्वेज हो जाती है। हमें कभी भी नर्वस नहीं होना। हम बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होना चाहिए, जैसे कि क्वालिफिकेशंस, हमारी क्वालिफिकेशंस क्या है। क्वालिफिकेशंस जैसे कि आई एम अ गुड सिंगर, या फिर आई एम अ गुड डांसर, जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस होगी। और हम बहुत कुछ बता सकते हैं, जैसे कि अगर हम कहीं पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हम कौन सी डिग्री पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल, हम क्या पढ़ रहे हैं, या फिर कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। अगर हम बड़े हैं, एडल्ट्स हैं, हम क्या जॉब कर रहे हैं, कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या फिर हमारा बिजनेस क्या है, हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, या फिर हम किधर रह रहे हैं, हम वो बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गुड मॉर्निंग सर, हमें ग्रीटिंग देनी है दूसरे को, ग्रीटिंग गुड मॉर्निंग सर, या फिर गुड इवनिंग सर, जो भी उस समय का टाइम पीरियड होगा, गुड मॉर्निंग सर, ये हमारी ग्रीटिंग हो गई। गुड मॉर्निंग सर माय नेम इज़ हर्षित, या फिर आई एम हर्षित, आई एम 12 इयर्स ओल्ड, आई रीड इन 7th क्लास, माय क्वालिफिकेशंस आर आई एम अ गुड सिंगर, एंड माय हॉबीज़ आर टू प्ले फुटबॉल। हॉबीज़ जो हम डेली लाइफ में करना पसंद करते हैं, हर रोज़ करना हम उसे पसंद करते हैं। माय हॉबीज़ आर टू प्ले फुटबॉल, आई एम फ्रॉम हरियाणा, मैं हरियाणा से हूँ। या फिर अगर हम कोई बड़े हैं तो गुड मॉर्निंग सर माय नेम इज़ डैश, सो हमें अपना फुल नेम बताना है, हर्षित शर्मा, हमें अपना फुल नेम बताना है। सो ये था कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए सो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।